नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज़ में। पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले की एक तरफ जहां जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अब टीएमसी के ऊपर एक बड़ी गाज गिर पड़ी है। जी हां, यहां पर बीजेपी लगातार इस मौके का पूरी तरह से फायदा उठा रही है और एक गंभीर आरोप ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर लगा रही है। जी हां, यहां पर पश्चिम बंगाल में जो स्कैम खुलकर सामने आया है, जिसमें पार्थ चटर्जी मुख्य अपराधी के रूप में निकलकर सामने आए हैं, लेकिन ऐसे में बीजेपी का आरोप यहां है कि पार्थ चटर्जी के इस कांड में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी बड़ा हाथ है। और इस दावे के बाद अब टीएमसी पार्टी में खलबली मचते हुए दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की थी, जब पार्थ चटर्जी को पश्चिम बंगाल से मंत्रालय से नहीं हटाया जा रहा था, टीएमसी पार्टी में ही रखा जा रहा था। उसके बाद देखा गया कि ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को टीएमसी पार्टी से बर्खास्त कर दिया और अब बीजेपी एक बार फिर से ममता बनर्जी के ऊपर सवाल उठा रही है। जी हां, यहां पर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि पार्थ चटर्जी 8 से 10 घंटे का समय ममता बनर्जी के साथ गुजारा करते थे, कामकाज में शामिल रहा करते थे। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि ममता बनर्जी को इस बात की भनक ना हो। साथ ही यहाँ पर कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के अकाउंट को यहाँ पर ईडी के द्वारा जो है छानबीन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पार्थ चटर्जी के द्वारा कई सारे पैसे जो है अभिषेक बनर्जी के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं और इस मामले की जांच पूरी तरह से होनी चाहिए। साथ ही बीजेपी कह रही है कि इस पूरे मामले में पूरा भांडा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्थ चटर्जी के ऊपर फोड़ा जा रहा है, जबकि इस अपराध में आरोपी ममता बनर्जी और साथ ही उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी है और इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं ये लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन अब देखना यही है कि बीजेपी जो आरोप ममता बनर्जी और उनके भतीजे पर लगा रही है, क्या वो आरोप सही है? क्या अब आगे ईडी की कार्रवाई पार्थ चटर्जी के बाद ममता बनर्जी और उनके भतीजे पर भी होने वाली है? और जो आरोप यहां पर बीजेपी लगा रही है, ये सिर्फ एक राजनीतिक तौर पर है या सच में इसमें कोई सच्चाई है? आपकी इस पर क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।